नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम पिछले एपिसोड को ही आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी आत्मकारक ग्रह के बारे में, जैमिनी का सूत्र है कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह है वो हमारा आत्मकारक होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि आपकी आत्मा का कहाँ पर मन लगेगा या कहाँ पर आपकी आत्मा या आपका जो है कि अच्छे तरीके से कार्य कर सकेंगे और उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जो आपका आत्मकार दर्शाता है। तो आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे अमात्य कारक का। तो जैमिनी के अंदर जो है कि आत्मकारक पहले हाउस को रिप्रेजेंट करता है और अमात्य कारक हमारे दूसरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अमात्य कारक हमारे जो रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आत्मकारक जो ग्रह है वो कृष्ण है अर्जुन के लिए। जैसे महाभारत में जो है कि गाइडेंस जो है कृष्ण ने जो अर्जुन को दी थी विजय पाने के लिए युद्ध के अंदर या हर क्षेत्र के अंदर, तो उसी प्रकार से आपको जो है कि राजा यानी कि हमारी जो आत्मकारक ग्रह है वो हमारा राजा है, हमारी सोल है, तो उसको अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मदद चाहिए होती है, वो जो रिसोर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे रिसोर्सेज का भी है और जैमिनी में रिसोर्स को अमात्य कारक ग्रह दिखाता है। तो ये चर कारक जो है ये डिग्री के हिसाब से हैं। जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह होता है वो हमारा आत्मा कारक होता है, उससे कम डिग्री का अमात्य कारक। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अमात्य कारक ग्रह के जो हमारे सिग्निफिकेंस हैं उनको भी हम लेंगे, जो हमारे स्थाई जो कारक हैं ग्रहों के, जैसे कि हमारा सूर्य जो है कि हमारे अथॉरिटी को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, उच्च पद को रिप्रेजेंट करता है। शनि हार्डवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है और जो शुक्र है हमारे रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है और मून जो हमारे होमलैंड को और हमारे मदर को और जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो रिसोर्सेज है वो जो हमें जो हमारा आत्मकारक दिखा रहा है ग्रह कि हमें कहाँ पहुँचना है, कौन सी चीज़ हमें पसंद है, तो उसको लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। अकेला जो है आत्मकारक चाहने से कुछ नहीं होता ना, कि आत्मकारक चाहता है कि मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दूँ, तो वहाँ पर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, वो अमात्य कारक होता है। जैमिनी के अंदर अमात्य कारक से आप अपने धन के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने जो कि लाइफ के अंदर जो है कि गेन और लॉसेस, कौन से चर दशा के अंदर, उन पर हम बाद में बात करेंगे चर दशाओं के ऊपर। आज हम अपने जो सब्जेक्ट है उससे भटकेंगे नहीं। अमात्य कारक जो कि हमारा रिसोर्स बताता है, जो हमें रिसोर्स दिलाता है उच्च पद तक पहुंचने के लिए, जो हमारा आत्मकारक चाहता है, तो जिसका अमात्य कारक केंद्र और त्रिकोण के अंदर है, यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउसेस के अंदर है या 5, 9 के अंदर है, केंद्र या त्रिकोण में जिसका अमात्य कारक है, या 11th हाउस या 2nd हाउस जो हमारे धन भाव है। अमात्य कारक जो कि लगन से और साथ ही साथ जो कि हमारा जो आत्मकारक है उससे भी अगर वो केंद्र त्रिकोण में या 2nd और 11th में है तो बहुत बढ़िया है। वो रिसोर्सेज तो देगा ही, लेकिन वो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे को बहुत अच्छी मदद करने वाले प्रगति के लिए। तो इसीलिए मैं जो है कि चार चार्ट हैं, जिनमें से 3 चार्ट तो पिछले वाले ही जो मैंने एपिसोड बनाया था उसी के ही हैं, ऐश्वर्या जी, हमारे कपिल देव जी और अर्नाल्ड। तो ये 3 चार्ट पिछले बार के ही हैं। यहाँ पर जो है कि 2 चार्ट मैंने कम कर दिया कि लंबा ना हुआ एपिसोड, और एक जो है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी थे उनकी जगह पे मैंने इंदिरा गांधी जी का चार्ट लिया। उसकी वजह यह है कि मेरे को एक ऐसी कुंडली भी चाहिए थी जिसके अंदर अमात्य का कारक जो है कि छठे भाव के अंदर हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो जो है कि लगन से 5वें भाव के अंदर था, तो लगन और केंद्र तो मैंने सब बता ही दिए, लेकिन जो अलग तरीके से बैठे हुए हो अमात्य कारक, तो फिर उसके बारे में लोग पूछेंगे कि सर मेरा तो 6th हाउस के अंदर है या मेरा 8th हाउस के अंदर है, तो कोई ऐसा भी मेरे को चाहिए था जो चार्ट जो कि बहुत ऊंची हस्ती हो और उनका जो है अमात्य कारक जो है कि ऐसी जगह पे बैठा हो जो चैलेंजिंग पोजीशन हो, तो इसलिए मैंने वहाँ पर जो है कि नरेंद्र मोदी जी की जगह पे जो है कि इंदिरा गांधी जी का चार्ट लिया। वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉन पर्सन है, हमारी जो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तो उसके अंदर जो है कि इसलिए मैंने उनका चार्ट लिया है। तो आज विलंब नहीं करते हुए शुरू करते हैं अमात्य कारक के बारे में,
जैसा कि आप देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है आत्मकारक अमर्त्य कारक सब चार्ट्स के अंदर है। तो यहां पर कपिल देव जी का कल बात हुई थी कि मंगल आत्मकारक है, वो खेलों में गए। अब अमर्त्य कारक जो होगा सूर्य है, जो कि लगन से तो तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। लगन से तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, पराक्रम भाव के अंदर बैठा हुआ है, और लगन से 11वें भाव का स्वामी है, यानी कि लाभ भाव का स्वामी होकर पराक्रम भाव के अंदर बैठा हुआ है। अच्छी पोजीशन है। अब आत्मकारक से देखें तो आत्मकारक उनका मंगल है, और यहां से हम गिनती करेंगे तो 7, 8, 9, यानी कि आत्मकारक से नवम भाव के अंदर बैठा है, यानी कि भाग्य। और फिर सिग्निफिकेटर की बात करें तो सूर्य, तो सूर्य जो है कि हमारी अथॉरिटी को, उच्च पद को दिखाता है, यानी कि कपिल देव जी जो काम कर रहे थे, यानी कि खेलों के अंदर थे, क्रिकेट के अंदर थे, तो उनके जो अथॉरिटी के मेंबर्स थे, जो वहां पर बैठे हुए थे हमारे जो है कि इंडिया बोर्ड के अंदर, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी कैप्टन बनने की 1983 के वर्ल्ड कप में, जहां से वो लाइम लाइट में आए और जो और ज्यादा मतलब कि मशहूर हुए और छा गए पूरे हिंदुस्तान पर और विदेशों तक। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी जो दी उनको जो अमर्त्य कारक सूर्य ने दी, यानी कि उनकी अथॉरिटी, यानी कि जो जहां वो कार्य कर रहे थे वहां पर जो उच्च पद पे जो आसीन थे, उसे हम मतलब कि उनके बॉस भी बोल सकते हैं, बॉसेस थे वो, क्योंकि जो इंडियन टीम सेलेक्ट होती है वो वहीं से सेलेक्ट होती है, और उनको चलाते वही हैं जो उनके अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह हैं। तो उस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी कैप्टन बनने की 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर। तो उससे जो है कि वो लाइमलाइट में आए और छा गए, रूल किया उन्होंने फिर क्रिकेट जगत को, क्योंकि तो सूर्य रूलर है। उसके बाद जो है कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक अच्छा खासा नाम और पद और प्राप्त किया। अब इसी प्रकार से अगर हम ऐश्वर्या बच्चन जी के चार्ट के अंदर देखें तो यहां पर जो उनका आत्मकारक है वो राहु है, और चंद्रमा उनके साथ ही बैठा हुआ है वहीं पर ही। यानी कि अगर हम आत्मकारक को अगर लगन बनाए आत्मकारक को, तो अमर्त्य कारक साथ बैठा हुआ है लगन के अंदर ही, और वो कुंडली के जो है कि दसम भाव का स्वामी है, यानी प्रोफेशन का स्वामी है। जब राहु ने उन्हें अचानक से जो है कि एक दिन जो है कि लाइमलाइट के अंदर ले आए, जो मिस इंडिया बनी, तो उसके बाद जो है कि उनको जो है कि उनके प्रोफेशन कौन सा, अगर राहु साथ बैठे, शुक्र साथ बैठे, तो राहु और शुक्र है कौन? राहु और शुक्र जो है कि हमारे सिनेमा को दर्शाते हैं, फोटोग्राफी को दर्शाते हैं, छाया चित्र जिसको बोलते हैं उसको दर्शाते हैं। शुक्र मीडिया का, फिल्म का, इस इंडस्ट्री का कारक है, और राहु छाया चित्र। तो उनको वहां पर प्रोफेशन के अंदर जो है कि उनको जो है कि एक रिसोर्स मिला उनको, जो कि हमारे इंडिया के अंदर फोर्थ हाउस जो है कि हमारे होमलैंड को दर्शाता है, मदरलैंड को, हमारे कालकूट की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है। तो उनका उनका जो चंद्रमा का साथ मिला, और जो लोगों के इमोशंस मिस इंडिया बने थे तो उनके साथ जुड़े हुए थे, तो वो वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आसानी से, शुरू में एक दो फिल्म में स्ट्रगल किया उन्होंने, साहस से की थी, लेकिन जल्दी नंबर एक पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद तब तक उन्होंने काम किया, वो उसी पोजिशन पे बनी रही। यह उनके जो है कि जो चंद्र थे उनके जो अमर्त्य कारक उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो है कि हमारे हाई पोजीशंस को दिखाते हैं, चंद्रमा इमोशंस के साथ, सूर्य अथॉरिटी के साथ। तो ये इस तरीके से जो है कि जो ल्यूमिनस प्लैनेट हमारे बोले गए हैं सूर्य और चंद्र, इनमें से अगर कोई अमर्त्य कारक बन जाता है तो वो इस तरीके से आपको हाई अथॉरिटी से या प्रोफेशन के अंदर उच्च पद पर पहुंचाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। अब यहाँ अर्नोल्ड के बारे में, जो 5 टाइम के जो है कि मिस्टर यूनिवर्स रहे बॉडी बिल्डिंग, तो उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो इनका आत्मकारक का मंगल है जिसकी वजह से वो खेलों के अंदर हुए, अमर्त्य कारक जो है बुध जो कि उनका लगन का स्वामी और लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, यानी कि उनकी बॉडी, और समझ सकते हैं तो कि उनका जो रिसोर्स बना, जो मंगल चाहता था खेलों के अंदर उनको ऊपर पहुंचाना या वहां कामयाबी दिलाना, तो उसका रिसोर्स कौन बना? उनकी खुद की बॉडी बनी जो कि बुध लगन है, लगने से और लगन के अंदर ही बैठे हुए हैं,
और बुध जो है हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों का कारक है, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर मांसपेशियां कितनी जरूरी हैं, हाईली विजिबल होती हैं, वहां पर उनको दिखाना होता है, जिसकी वजह से वो लेकिन इस किताब को जीतते हैं। तो यहाँ पर जो कि अर्नाल्ड की कुंडली के अंदर आपने देखा कि जो कि लगन का स्वामी लगन के अंदर होने से उनकी बॉडी इन्वॉल्व रही, वहां पर रिसोर्स क्या बना उनका जो हाई लेवल पहुंचने का, उनकी खुद के शरीर बना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर देखें तो ये एक चार्ट ऐसा है जिसके अंदर की आप ये कह सकते हैं कि आत्मकारक लगन के अंदर बैठा हुआ है, शनि उनका आत्मकारक है, हार्ड वर्किंग कराता है। पिछले चार्ट में बोला था जो कि नरेंद्र मोदी जी का भी जो आत्मकारक था वो जो है कि शनि था, हार्ड वर्किंग काफी की उन्होंने अपने जो कार्य क्षेत्र के अंदर, और जो है कि उनका जो अमात्य कारक है वो लगन से और आत्मा के आत्म कारक से दोनों से छठे भाव के अंदर शुक्र उनका आत्म कारक है। इस वजह से जो है कि उनका जो सिक्स्थ हाउस के अंदर है जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारी जो है अड़चने हैं लाइफ के अंदर, उनको दर्शाता है। तो उनको जो है कि इसी वजह से जो कि उनका आत्म कारक से अमात्य कारक जो छठे भाव के अंदर है और लगन से भी छठे भाव के अंदर है, इस वजह से 1970 में उनको जो है बहुत बुरी तरीके से पराजय झेलनी पड़ी, यहां तक कि उनके मंत्रिमंडल के काफी सदस्यों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन जो है कि उनका अमात्य कारक जो है छठे भाव के अंदर संघर्ष क्षमता को भी दिखाता है, राहु वहां पर उसको बढ़ा रहा है, राहु साथ बैठा है जो उनके संघर्ष क्षमता को, उनकी फाइटिंग स्पीड को बढ़ा रहा है, जो कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही पलटवार करके दोबारा से सत्ता हासिल की, वो इस चीज को दर्शाता है। इसीलिए उन्होंने छठा भाव जो है हमारा वहां पर डाउनफॉल हो सकता है, अड़चने आ सकती हैं, परंतु जो है कि संघर्ष क्षमता इतनी देता है कि जो उससे जो है कि अगर वहां पर ग्रह जो अच्छे बैठे हों, जैसे यहाँ पर अमात्य कारक ग्रह था उनका शुभ ग्रह है, जो कि बताया जाता है कि हमारे जो अगर दूसरे त्रासदी के अंदर देखें तो शुभ ग्रह वहां पर अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु त्रासदी के अंदर भी बताया गया है कि जो पाप ग्रह जो होता है 3, 6, 11 के अंदर बहुत ज्यादा उत्तम फल देते हैं। तो यहाँ राहु बैठे हुए थे उनके अमात्य कारक के साथ, जो कि उनके फाइटिंग स्पीड को बढ़ाया, और 11th हाउस से एक्सचेंज है शुक्र का, अगर हम जब प्रासरी का नियम भी थोड़ा जोड़ दें तो वहां पर जो है कि राज्य के बाद दोबारा जीत, डिस्प्यूट के बाद जीत, कोर्ट केस में जीत, इस चीज को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो छठे भाव के अंदर होता है ये अड़चने बहुत बड़ी देता है, तो उससे ओवरकम होने की पावर भी वो देता है, अगर उसके साथ में कोई ऐसा ग्रह हो जाए जैसे यहाँ राहु बैठा हुआ है, या इनका जो अमात्य कार्य की मान लीजिए पापी ग्रह होता, मंगल होता, शनि होता, तब भी यही था, परंतु अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है इनके जो कि छठे भाव के अंदर यहाँ राहु नहीं होता और इसे एक्सचेंज नहीं होता गुरु से, तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उनको जो है कि काफी संघर्ष करना पड़ता है, ऊंचाई पर पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है, पहुंच ही नहीं पाते एक बार गिरने के बाद, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इससे अगली बार जो हम देखेंगे तो अमात्य कारक से जो है कि हम ये भी देख सकते हैं कि आपके लाइफ के अंदर जो कि फाइनेंस या पैसे का लॉस या काम का लॉस या उसके अंदर बढ़ोतरी कौन सी चरदशा के अंदर हो सकती है, तो वो आज का विषय नहीं था, आगे उसको चर्चा करेंगे कभी। तो आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो है पसंद आएगी। अमात्य कारक जो हमारे रिसोर्स का कारक है, वो हमारे जो आत्म कारक है उसकी किस प्रकार से मदद करता है ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, और लगन और केंद्र के अंदर 2, 11 के अंदर होने पे, और छठे भाव के अंदर या 8वें भाव या 12वें भाव, छठ 8वां और 12वें का कोई मेरे पास सेलिब्रिटी का चार्ट नहीं मिला जहां पर वो मिल जाए, छठा भाव इंदिरा गांधी जी का मिला, मैं ले लिया आज। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे लगा के देखिएगा, सत्प्रतिशत ये जो है कि सही बैठता है, जैमिनी का सूत्र है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आगे चाहता हूँ, नमस्कार।